हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, ये रीडिंग जनरल है, सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह है आपके साथ, तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सो हियर वी हैव सम कार्ड्स। ओके व्यूअर्स, आई होप ये कार्ड्स विजिबल हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज यहां नजर आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दे नीड टाइम, बट यू शुड ट्रस्ट देम, लाइक यू शुड ट्रस्ट दिस पर्सन और यू शुड ट्रस्ट योर पर्सन। यहां पर वो आपसे ऐसा कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए, आई नीड सम टाइम टू डू समथिंग अबाउट इट। वो जो भी आगे एक्शन लेना चाहते हैं, वो जो भी आगे स्टेप लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है इस इंसान को ना थोड़ा समय चाहिए और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिएगा कि क्या होगा, उसके बाद आप एक आउटकम देखिएगा कि क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंक हैं, ऐसा नहीं है कि उनको परवाह नहीं है, दे हैव अ विजन, दे हैव अ प्लान, लेकिन समय लगेगा, दे नीड टाइम, क्योंकि वो जिस भी सिचुएशन में है अपनी लाइफ में करेंटली जो भी कर रहे हैं, दे नीड टाइम। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे कोई स्पेस चाहिए या आपके साथ कोई ब्रेकअप करना है, दे नीड टाइम का मतलब है कि थोड़ा समय और लगेगा। जो भी इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, या हम कहें प्रोफेशनली भी या फैमिली वाइज भी, जो भी कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, दे नीड टाइम टू सॉर्ट थिंग्स आउट, लाइक परिस्थितियों को सुलझाने के लिए, उनको सॉल्व करके या फिर उनको अपने फेवर में करने के लिए इनको समय लगेगा। तो हमें नहीं पता कि वो क्या एग्जैक्ट चीज़ है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कोई कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग में सभी के लिए मैसेजेस आते हैं, तो इस तरह के मैसेजेस ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सनल रीडिंग कर रही होती मैं तो बता पाती कि एग्जैक्ट क्या बात है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जिसको अभी कंप्लीट करने में, जिसको अभी पूरा पूरा फिनिश करने में या टैकल करने में या मैनेज करने में अभी समय लगेगा, दे नीड टाइम। तो हो सकता है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो सकता है आप जल्दी में आंसर चाहते हो, डिसीजन चाहते हो कि जल्द से जल्द मुझे पता लगे, जल्द से जल्द मुझे बताओ ऐसा या वैसा, तो फिर मैं आगे का अपना अलग देखूं या फिर मैं आगे अपना कोई अलग डिसीजन लूँ। तो आप ना थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हो कि क्या है जो है वो मुझे अभी के अभी बताया जाए। तो क्योंकि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है, आप इम्पेशेंट भी व्यूअर्स इसीलिए हो रहे हो, दे नो इट, दे नो कि आपको डर लग रहा है कि ये इंसान जाने वाला है छोड़ के, या चला ही जाएगा, या ये इंसान गायब होने वाला है मेरी लाइफ से, या फिर आपको लगता है कि अगर ये इंसान जेन्युइन है मेरे लिए तो मुझे, मेरे लिए कोई एक्शन ले, मुझे कोई कमिटमेंट दे, मुझे कोई सीरियस ऑफर दे। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी क्लैरिटी चाहते हो, इसीलिए थोड़े इम्पेशेंट हो, लेकिन ये इंसान जल्द से जल्द नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वेट करने के लिए कह रहे हैं। ओके, तो इनका मैसेज ऐसा है आपके लिए, आई नो यू आर वेटिंग बट हैव पेशेंस। तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन पेशेंस फिर भी रखो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं व्यूअर्स कि
आपको वो अपनी लाइफ में बहुत लकी समझते हैं, तो वो आपको खोने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। तो वो आपसे ऐसा कहना चाहते हैं जैसे जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं उनकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, वो इन सब चीज़ों के लिए आपको थैंक्स कर रहे हैं या इन सब चीज़ों के लिए आपको कारण बता रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है, आपको क्रेडिट दे रहे हैं इन चीज़ों का कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, उनको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं, चाहे करियर वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई किसी तरह की ग्रोथ है, वो सब उनको पॉजिटिव देखने को मिला है। उनकी लाइफ में जैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके आने की वजह से वो सब कुछ पॉजिटिव हुआ है, और कहीं ना कहीं आप उनके लिए लकी साबित हुए हो। वॉट एवर यू डू और वॉट एवर यू डिड, आप जो भी करते हो या जो भी किया व्यूअर्स आपने इनके साथ या जैसा भी व्यवहार रखा आपने, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रेजेंस यानी कि आपके जो प्लैनेट्स हैं ना व्यूअर्स, आपके जो प्लैनेट्स हैं उसका इनकी लाइफ पर जैसा असर हुआ है वो असर है ये कि इनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। इसमें आपने अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, इसमें बस ये है कि आपके जो प्लैनेटरी पोजिशंस हैं वो इनके लिए भी फेवरेबल रहे। तो इस कॉम्बिनेशन से इनको बहुत फ़ायदा हुआ है, इनकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी आई है, हैप्पीनेस आई है, सक्सेस आई हो सकती है, किसी और फील्ड में ग्रोथ हुई है। तो इनको ये सब चीज़ें हो सकता है लंबे समय तक अननोटिस्ड रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये नोटिस करने लगे हैं या इनको समझ में आया है कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, तो आप इनका लकी चार्म हो जैसे। तो वो आपको यही बोलना चाहते हैं, यही मैसेज आपको देना चाहते हैं, दैट यू आर माई लकी चार्म, यू आर माई लकी चार्म, यू आर लकी फॉर मी, यू आर प्रीशियस फॉर मी। बस यही सारी बातें वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हैं और आप मुझे मिले इस बात के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, ग्रोथ, सक्सेस कहीं ना कहीं आपके आने से आया है। आपके जैसे लक्ष्मी कहते हैं ना कि एक गॉडेस जो है वो जब लाइफ में एंट्री लेते हैं तो कैसा होता है, तो गॉड गॉडेस इस टाइप की पर्सनालिटी यानी डिवाइन पर्सनालिटी जिसके आने से ग्रह शुभ होते हैं, चीज़ें शुभ होती हैं, एक वैसी आपकी एंट्रेंस हुई इनके लाइफ में। तो हो सकता है लंबे समय तक इस चीज़ का एहसास ना हो उनको, लेकिन जैसे हम किसी से कहते हैं कि जैसे घर में कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं जब से ये इसका जन्म हुआ है तब से हमारे लाइफ में बहुत सक्सेस आई है, या जब किसी के घर में शादी होकर कोई आता है तो कहते हैं जब से ये आई हैं तो बहुत हमारे घर में सक्सेस आई है, या ये सेम मतलब मेल्स के लिए भी है कि उनके होने से भी गुड लक फील होता है लोगों को कि जब से ये आया है या ये आए हैं तो मेरे लाइफ में अच्छा हुआ है। तो उन वो इस चीज़ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं और आपको थैंक्स कर रहे हैं, और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके बिना मेरी सक्सेस सक्सेस है ही नहीं, आपके बिना मेरी खुशी खुशी है ही नहीं, एवरीथिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, क्योंकि आप वो गुड लक चार्म हो, आप वो लकी चार्म हो जो चीज़ों को यू नो चेरी ऑन द केक, अगर कोई बहुत कुछ भी चल रहा है इनकी लाइफ में लेकिन उसको अच्छा से फाप बनाते हो। ओके सॉरी आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग इन माई थ्रोट, बट वॉट एवर इज रॉन्ग विद माई थ्रोट आई एक्सेप्ट दैट। अब क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, साल के 12 महीनों में से 7-8 महीने तो मेरे थ्रोट इशू में ही जाते हैं, पर ऐसा कोई विशेष इशू भी नहीं है, बट हमेशा ही ऐसा साउंड करता है जैसे कोल्ड है मुझे, पर होता नहीं है। ओके लीव इट। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपको आपको इन सब चीज़ों के लिए थैंक्स कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं आपको, और आपके बिना ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल समझते हैं कि आप नहीं होगे तो ये फिर होगा ही कैसे ये सब। तो ये यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपको ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत पहले मिले थे फेस टू फेस, बहुत दिन से मिले नहीं हैं, या अभी तक फेस टू फेस नहीं मिले हैं, या बहुत दिनों से फेस टू फेस नहीं मिले हैं, या बहुत दिनों से एक दूसरे को देखा नहीं है। आई डोंट नो कैसी बात है यहाँ पे, लेकिन ये इंसान आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं या फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उनको आपसे आमने सामने मिलना है, आपसे बात करनी है, ऐसा लगता है, बिकॉज आई थिंक दे आर मिसिंग यू। तो वो ऐसा कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू मीट यू इन पर्सन, आई वॉन्ट टू मीट यू इन पर्सन एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फेस टू फेस। तो वो आपसे बात भी करना चाहते हैं और आमने सामने मिल के बात करना चाहते हैं। शायद उन्हें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन जो है, अगर
आप लोगों के बीच कुछ कन्फ्यूजन है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ है या क्लैरिटी की कमी है या मिसकम्युनिकेशन है चीज़ों में, तो वो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. दे हैव गुड इंटेंशंस. ओके, तो ये आपसे ऐसा भी कह रहे हैं, ट्रस्ट मी, आई हैव गुड इंटेंशंस फॉर आवर रिलेशनशिप और फॉर आवर कनेक्शन. तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरे इरादे कभी गलत नहीं हैं, मेरे ऊपर आप विश्वास करो. सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस दैट माई इंटेंशंस आर नॉट बैड, आर नॉट रॉन्ग. यहाँ पर व्यूअर्स वो आपको ये भी कहना चाहते हैं दैट दे आर लुकिंग एट यू, वो आपको देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू, दे हैव देयर आइज ऑन यू, उनकी नज़रें आप पर हैं. तो इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपको बोलना चाहते हैं आई स्टॉक यू एवरी डे एवरीवेयर. तो वो इंसान आपको सामने से बता रहे हैं कि मैं आपको रोज़ देखता हूँ या रोज़ देखती हूँ. तो या तो आप लोग किसी ऐसी कॉमन जगह पर जाते आते हैं जहाँ से आपको देख सकते हैं, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात हो रही है कि आपका सोशल मीडिया बहुत स्टॉक करते हैं, दे स्टॉक योर सोशल मीडिया अलॉट. तो वो क्यों करते हैं स्टॉक? ऑफकोर्स वो आपको मिस करते हैं, इसीलिए करते हैं, दे मिस यू, ये भी आपको बोलना चाहते हैं. और साथ में आपको ये भी बताना चाहते हैं कि क्योंकि उनको आपके बारे में अवेयर रहना पसंद है, दे लाइक टू नो वॉट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, दे वॉन्ट टू नो वॉट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. तो उनको ये जानने की इच्छा है, खुद से उनका मन करता है ये जानने का कि उनको पता रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है व्यूअर्स. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इंटरेस्टेड हैं कि ये पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं और आप ही टैरो रीडिंग देख रहे हैं. ये इंसान अभी इंसान टैरो रीडिंग देख रहे हैं या नहीं, पर ज़रूर ऐसी चीज़ें कुछ कर रहे हैं जैसे राशि भविष्य देखना या कुछ यू नो फ्यूचर प्रेडिक्शंस कुछ देखना समझना. तो कुछ तो ये भी कर रहे हैं और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं क्योंकि इनको भी क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है जानने में कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है ये जानना चाहते हो, विच इज़ नॉट रॉन्ग एक्चुअली. इफ़ यू आर इन लव, इफ यू आर इन कनेक्शन, इट्स ऑब्वियस, ये नेचुरल है कि आप लोग एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने की इच्छा रखोगे ही. या सो दे आर लुकिंग एट यू, तो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आप पर नज़र भी है, आपके बारे में पता रखते हैं बातें, चाहे कॉमन फ्रेंड्स से पूछ लेते हों या खुद से पता कर लेते हों, लेकिन दे नो एवरीथिंग अबाउट यू. आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है और ये बिल्कुल अनअवेयर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ हिंट आइडिया तो इनको होगा ही. या सो दे आर लुकिंग एट यू, एंड ये इंसान छुप के आपको स्टॉक करते हैं या आपसे छुप छुप के आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं या आपसे छुप छुप के आपको स्टॉक करते हैं. राइट. आइए देखते हैं कि इनके तरफ से और क्या मैसेज है आपके लिए. कुछ हैंडरिटन मैसेजेस देखते हैं हम कि इनकी तरफ से और क्या संदेश है. आई लव यू इनफ टू लेट यू गो. आई लव यू इनफ टू लेट यू गो का मतलब है व्यूवर्स कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर आप उनसे दूर जाना चाहते हैं और आपने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है, आप और इंतज़ार नहीं कर सकते और पेशेंस नहीं हो सकते और पेशेंट नहीं हो सकते, बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत समय आपके लिए हो चुका है, अब आप इंतज़ार नहीं करना चाहते और सच में आप डिसाइड कर चुके हैं और जैसे ये कह रहे हैं वेट फॉर मी, ट्रस्ट मी, तो ये सब आप नहीं कर सकते. तो ये आपसे इतना कह रहे हैं कि अगर आप जाना चाहेंगे तो वो ज़बरदस्ती आपको नहीं रोकेंगे या इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको नहीं रोकेंगे या बार बार आपको परेशान नहीं करेंगे. अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको खुशी खुशी जाने भी देंगे. तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है कि आपको इंतज़ार करना ही है. इफ़ यू वॉन्ट टू गो, आई लव यू इनफ टू लेट यू गो. मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ कि मैं आपको सुकून से जाने दूँ. आया वो फिर नज़र ऐसे. व्यूअर्स, एक सॉन्ग है ये जिसके लिरिक्स यहाँ पर चैनल हुए हैं. ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं और ये गाना है शायद न्यूयॉर्क मूवी है उसका गाना है जैसे तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किसकी हमें नज़र लग गई, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा. उसी में ये लिरिक्स हैं. आया वो फिर नज़र ऐसे, बात छिड़ने लगी फिर से, आँखों में चुभता कल का धुआं.
ये सारा ये जो सॉन्ग है ये इनकी फीलिंग्स को बताता है कि आया वो फिर नजर ऐसे, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच कोई सेपरेशन, कोई ब्रेकअप या कोई डिस्टेंस आया भी था तो भी वो नहीं भूले हैं। वो जैसे ही आपको देखते हैं, जैसे ही आपके बारे में कुछ थोड़ा सा भी इनकी लाइफ में कुछ होता है आपसे रिलेटेड, तो वापस से वही इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, वही मेमोरीज, वही प्यार, वो सब कुछ ट्रिगर्ड हो जाता है। दे कैन नॉट कंट्रोल इट, दे कैन नॉट सप्रेस इट। इसीलिए वो आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। ये सॉन्ग आप सुन लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं या क्या फील करते हैं और क्या आपसे कहना चाहते हैं। दिस इज द मेन थिंग कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो ये सॉन्ग सुन के आप जान जाएंगे वो बातें। I need one card at one time. So yeah. You are scaring me now. You are scaring me now. से साफ साफ पता चलता है viewers, look at this. कि ये डर रहे हैं कि आप सच में चले जाएंगे. अब एक तो हम कहते हैं ना कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपको ज़बरदस्ती नहीं रोकेंगे, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, stuff like that, हमें अभी और समय चाहिए and all that. अगर सच में आप ऐसा करो, सच में आप जाने लगो या सच में आप जाओ या सच में आप नहीं रुक रहे हो, तो उनको डर भी लगता है कि वो आपको खो दें, सच में ना खो दें कहीं। इमोशनली वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन सच में अगर आप उनकी लाइफ से चले गए तो क्या होगा, तो वो उन चीज़ों से डरते भी हैं। कहने के लिए कहते हैं और नहीं रोकेंगे, वो बात भी सच है, लेकिन फिर इनको कैसा महसूस होगा, इनको क्या, कैसा दर्द, कैसा दुख महसूस होगा, वो ये सोचकर ही घबरा जाते हैं। तो वो ये बोलना चाहते हैं आपको, यू आर स्केयरिंग मी नाउ, जैसे अब आप सच में ऐसा कहो कि आप जाने ही वाले हो, सच में गुड बाय करो, सच में मूव ऑन करो, तो इंसान को डर लगता है कि सच में क्या आप चले जाओगे, क्या सच में आपको जाना ही है, क्या यही है, मतलब क्या यही है इसका गोल, डेस्टिनेशन यही है इस रिश्ते का, इस रिश्ते का जो एक यहीं तक पहुँचना था बस इसको। तो वो कहीं ना कहीं वो आपके दृढ़ निश्चय से भी डरते हैं कि कहीं सच में आपने पक्का तो नहीं कर लिया कि आप जाओगे। तो उनको आपकी ऐसी कुछ चीज़ें डराती हैं जिसमें उनको लगता है कि वो आपको खो देंगे, ऐसी कोई भी बात जिससे उनको लगता है कि वो आपको खो देंगे, उन्हें वो बात डराती है। हो सकता है पहले आप लोगों के कुछ बीच, आप लोगों के बीच कुछ हुआ हो, कुछ आपने एक्सपेक्ट किया हो, वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, या कुछ इन्होंने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, सिचुएशन फेवर में नहीं थी, तो पहले हो सकता है कुछ एक्सचेंज था आप लोगों का, पर वहाँ पर इस पर्सन से कोई मिस्टेक हुई या फिर परिस्थिति ने साथ नहीं दिया और ये अपने आप को फ्री नहीं कर पाए या कहीं ना कहीं वो एक्शन नहीं ले पाए जो आप डिज़र्व करते थे। तो वो कह रहे हैं कि वो टाइमिंग गलत थी, टाइमिंग वॉज रॉन्ग। वो ये नहीं कह रहे कि आपकी गलती है या उनकी गलती है, वो ये कह रहे हैं समय की ही गलती है। समय यानी कि वो परिस्थिति, वो घड़ी ही ऐसी थी, वो समय ही ऐसा था, इसमें आपकी या उनकी गलती नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि गलती किसी की नहीं है, वो समय ही ऐसा था जहाँ पर बात नहीं बनी या जहाँ पर गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गई। या व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर इस रिश्ते पे किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है या किसी नेगेटिविटी का असर है या किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि ये सॉन्ग में भी ये लिरिक्स आए हैं कि जाने किसकी हमें नज़र लग गई, और मुझे फील भी ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन को ज़्यादा टाइम लग रहा है चीज़ों को मैनेज करने में, सॉर्ट आउट करने में, सिचुएशन को अपने फेवर में करने में लंबा समय लग रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी नेगेटिव एनर्जी का भी असर हो, ये कोई जेलस है या कोई बुरी नज़र रखता है आप लोगों पर, जैसे कि यू नो जेलस होता है तो ईर्ष्या करता है, तो उसी भाव से, उसी एनर्जी से आपकी तरफ देखता है आप दोनों की तरफ। तो हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी इस तरह की हो, सबके लिए नहीं। और जैसे ये है, आप देख सकते हैं ये टाइगर आई स्टोन है यहाँ पे, ठीक है, ये टाइगर आई है, दिखता भी टाइगर आई जैसा है, जस्ट अ सेकेंड, लुक एट दिस। तो इसमें क्या होता है, ये टाइगर आई स्टोन जो होता है व्यूअर्स, ये आपको बुरी नज़र से बचाता है, जैसे शेर अपनी आँखें ताक पे लगा के बैठा रहे कि कोई अटैक ना कर पाए, उस तरह से ये जो टाइगर आई होता है ये आपको बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से, नकारात्मक ऊर्जा से, आपके रिश्ते को, आपके घर को, आपको बचाता है। ओके,
तो ये स्टोन आप कहीं से अगर आपको मिल जाता है तो आप इसे लीजिए, अपने पास रखिए, अपने ऑरा में रखिए, जैसे अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, या फिर एक रिंग की तरह पहन सकते हैं, या गले में पहन सकते हैं, जैसे भी आप पहनना चाहें। तो ये आपको ना ऐसी एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, एक शील्ड बनाता है आपके इर्द गिर्द और आपको प्रोटेक्ट करता है। ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन जिसको फील ज़्यादा होता है कि हाँ कुछ नेगेटिव है तो वो यूज़ कर सकता है इसको। और ऑथेंटिक रियल स्टोन ही लीजिएगा, क्योंकि सस्ते में मिल जाएगा आपको फेक, बहुत सस्ते में, तो आप समझ जाइएगा कि वो असली भी नहीं है। किसी ऑथेंटिक वेबसाइट या किसी ऐसे पर्सन जिसको आप जानते हो सच में आपको जो रियल प्रोवाइड कर सके उसी से लेना, जब तक रियल ना मिले कुछ भी मत ले लेना और इंतज़ार करना, ठीक है। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। इस रीडिंग ने अगर थोड़ा भी आपको गाइड किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट रेजोनेट होती है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।